कृषि कानूनों की वापसी को लेकर संसद में सरकार का प्लान, 29 नवंबर को पेश होगा बिल। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को धमकी भरा मेल भेजने वाले शख्स की हुई पहचान, पाकिस्तान से भेजा गया था मेल। दिल्ली में बंद रहेंगे निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों के खाते में सरकार डालेगी 5,000 रुपए। नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका, वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयानबाजी पर लगी रोक। दिल्ली मेट्रो की एक और उपलब्धि, पिंक लाइन पर ड्राइवर लेन ट्रेन परिचालन की हुई शुरुआत। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष को जेवर जाने से रोकने के लिए घर में नजरबंद करने, अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं का वेस्ट यूपी हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर एक ज्ञापन आज जेवर में एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के समय प्रधानमंत्री को देने का था, लेकिन उसके लिए आज सहारनपुर से जेवर के लिए 200 वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल जाना था, लेकिन कल डीएम मेरठ को पीएमओ से एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री इस मांग को लेकर बहुत सजग हैं और उन्होंने वकीलों के प्रतिनिधि मंडल को 27 तारीख को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जो है किरण रिजिजू से मुलाकात करने के लिए बुलाया है। मंत्री कार्यालय के पद जो केंद्रीय विधि मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, उनका एक लेटर डीएम मेरठ के माध्यम से जो हमारी सेंट्रल एक्शन कमेटी है मेरठ में उसको प्राप्त हुआ कि साहब आप ये कल का ज्ञापन वाला कार्यक्रम रद्द कर दें और 27 तारीख को यानी कि आने वाली 27 नवंबर को शाम को 4 बजे दिल्ली में माननीय विधि मंत्री किरण रिजिजू साहब के निवास पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल आप भेज दें और वहाँ आपसे सकारात्मक वार्ता होगी। तो उससे हमें लगा अब तक तो हम लोग इनसे मिलने का टाइम मांग रहे थे, अब ये खुद हमें बुला रहे हैं तो ये अच्छी बात थी। तो इस बात को मद्देनज़र हमने ये कार्यक्रम केंद्रीय संघर्ष समिति के निर्णय अनुसार कल रद्द कर दिया और इसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी। लेकिन उस सब के बावजूद भी करीब 7:30 बजे आपका 4 सिपाही और थाने की गाड़ी, 2 दरोगा और वो सब घर में आके ग्राम प्रधान को साथ ला के और बस अपना एक तरह से हाउस अरेस्ट करके और बैठ गए। आज हमें पता चला कि सुबह हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अभय सिंह चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन पहुंचा, जिसकी हम वकील समाज बुरी तरह से प्रशंसा करते हैं। ये कार्य जो है दुर्भाग्यपूर्ण था। वही उन्नाव में अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल अस्पताल के प्रशासन की ओर से गर्भवती महिला को परिसर से बाहर कर दिया गया और अपनी गंभीर हालत में महिला ने सीएचसी परिसर में सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान पीड़िता की पुकार सुनकर भी अस्पताल का कोई भी कर्मचारी पीड़िता की मदद के लिए नहीं पहुंचा। बता दें कि पीड़िता की परेशानी देखकर आसपास की महिलाओं ने उसकी मदद की। महिलाओं ने पीड़िता को परेशान देकर अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए महिला को इलाज के लिए फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिल्कुल, उक्त मामला हमारे संज्ञान में आया है। उक्त महिला लगभग 9:30 बजे हमारे सीएससी पर भर्ती हुई थी। भर्ती करने पर उसको खून कम है और उसकी जांच कराई गई, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम निकला, इसलिए हमारी यूनिट के द्वारा उसको जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया। आशा बहु मरीज के लिए आई और एम्बुलेंस आने में चूंक लेट हुई, इसलिए ताज नगरी आगरा में महंगाई के विरोध में दक्षिण विधानसभा में संभावित प्रत्याशी सुगम शिवहरे की ओर से भाजपा हटाओ महंगाई घटाओ प्रतिज्ञा पद यात्रा का आयोजन किया गया है। इस पद यात्रा में कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये प्रतिज्ञा पद यात्रा खंडेलवाल धर्मशाला से शुरू होकर फव्वारा से अग्रसेन मूर्ति पर माल्यार्पण करके समाप्त हुई। इस मौके पर सुगम शिवहरे ने कहा कि प्रतिज्ञा पद यात्रा के माध्यम से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अनुज शिवरे, आज जिला प्रवक्ता सुगम शिवरे दक्षिणी संभावित प्रत्याशी है उसके और हमारे नेतृत्व में ये दक्षिणी विधानसभा में यात्रा निकाली गई है। प्रियंका जी के आह्वान पर हम लोगों ने महंगाई का विरोध करते हुए महिलाओं के साथ ढोल मजीरा बजाते हुए सब्जियों की माला बनाकर इस जनता को अपने साथ लेकर इस सरकार का विरोध किया है। इस सरकार ने गरीब आदमी का दम घोट रखा है। इस सरकार में एक दमन हो रहा है गरीब आदमी का।
लगातार महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई चरम सीमा पे, महंगाई के विरोध में आज हमने ये प्रतिज्ञा यात्रा निकाली है पूरे देश और प्रदेश में। आज हम लोग, हमारी माननीय बहन प्रियंका गांधी जी के अनुसार प्रतिज्ञा पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो महंगाई के विरोध में है। आज ढोलक मजीरे बजा करके हमने प्रदर्शन किया है कि हमारे साई तो खूब कमाते हैं, महंगाई टाइम खाए जाते हैं, महंगाई ने इतना वो कर दिया है कि आदमी का पेट पेट भी नहीं पाल पा रहा है, ना चाय का बिल, बिल का बिल दे या मंडी का बिल दे या सिलेंडर का बिल भरे या पेट का बिल भरे या पढ़ाई का बिल भरे, क्या करे। महंगाई में कमाता आदमी 100 रुपए और खर्चा है 500 रुपए, कहाँ से लाए। वही फतेहपुर के विकास खंड अमौली के ग्राम पंचायत चांदपुर में प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में एक दिवसीय मिनी बाल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने हरी झंडी दिखाकर की। मिनी बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की रेस में हिस्सा लेना अनिवार्य था। ऐसी प्रतियोगिताओं का शुभारंभ होने से बालिकाओं के तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। वही आजमगढ़ के सभी महाविद्यालयों के छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर छात्र नेता सुनील कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हम सभी महाविद्यालय के छात्र और नेता छात्र संघ चुनाव की तिथि निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, जहां पर कॉलेज की पढ़ाई सुचारू रूप से एक बार फिर से शुरू हो सके। वही लखनऊ में इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में छात्रों के हितों में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान एजुकेशन मिनिस्ट्री के विद्यांचलि प्रोजेक्ट की ओर से 1000 सरकारी स्कूल की शिक्षा को दुरुस्त बनाने का संकल्प लिया गया, साथ ही छात्रों के विकास के लिए करियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कार्यक्रम को काफी भव्य बनाया गया था। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के ट्रस्टी सोशनी लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विश्व स्तरीय शिक्षा को सबके लिए मुहैया कराने पर प्रबलता से जोर दिया गया। वही सुल्तानपुर में आज भाजपा किसान मोर्चा ने सरकार के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। आपको बता दें कि इस रैली में दावा किया गया था कि जिले के 26 भाजपा मंडलों से करीब 1000 ट्रैक्टर जुटाए जाएंगे और सरकार को भरपूर समर्थन दिया जाएगा, लेकिन जिले के इस दावे का कुछ खास असर नहीं दिखाई दिया और 7 ट्रैक्टर लेकर इस रैली को पूरा किया गया। वही जब इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुरेश मौर्य से ट्रैक्टर और भीड़ ना जुटने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि खेती किसानी का समय चल रहा है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, इस वजह से ही ना तो ज्यादा ट्रैक्टर आ पाए और ना ही ज्यादा किसान आ पाए। फिलहाल सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से किसान बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, इसकी भी प्रदेश महामंत्री ने जानकारी दी। आयोजन जो है किसानों का, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने इस आयोजन को 16 नवंबर से हम लोग 30 नवंबर तक कार्यक्रम कर रहे हैं। ट्रैक्टर रैली आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है, 75 जनपदों में हो रहा है कार्यक्रम और 30 तारीख को समापन है। ये मऊ जिले से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी ने उसको यात्रा को प्रारंभ किया था मऊ जिले से 16 नवंबर। वही फतेहपुर में 2 दिन पहले बीजेपी नेता की पिटाई के मामले में केस दर्ज हुआ था और इसी मामले में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रजा मोहम्मद और उनके एक साथी सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुए। बता दें कि मामले में नामजद होने के बाद नगर पालिका परिषद के चेयरमैन कोर्ट में हाजिर हुए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजी रजा मोहम्मद, कई सपा कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे हुए। देश भर में इंश्योरेंस कंपनियों को अरबों रुपए का चूना लगाने वालों में सहारनपुर के भी 7 वकीलों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निलंबित कर दिया है। बड़ी तादाद में फर्जी क्लेम से घबराई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की याचिका पर एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की जांच में पूरे देश में फर्जी क्लेम के बेशुमार मामले सामने आए थे। इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 28 अधिवक्ता दागी पाए गए थे, जिसमें सहारनपुर के 7 अधिवक्ता भी दोषी पाए गए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार एक एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने कुछ मुकदमे कायम किए
और कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी सबमिट कर दी, ऐसा जानकारी में आया। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रदेश भर में 28 वकीलों को दोषी पाया, जिसमें 8 वकील सहारनपुर के भी हैं, जिनमें से एक की डेथ हो चुकी, 7 अभी तक यहाँ पर कार्यरत हैं, उन लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो विस्तृत आदेश है इन राइटिंग, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि बार काउंसिल इंडिया वाले भेजेंगे बार काउंसिल ऑफ यूपी को, और बार काउंसिल ऑफ यूपी भेजेगी फिर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन को। तो जब वो आदेश हमारे पास आ जाएगा, उसका अध्ययन करके पूरी बात तो हम तभी बता पाएंगे, हमारी जानकारी में भी तभी मामला पूरा आएगा कि भाई क्या मामला है। लेकिन अभी तक तो ये पता चला है प्रेस के माध्यम से कि भाई अखबारों में खबर पब्लिश हुई कि साहब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 वकीलों के। वही सोनभद्र के अनपरा थाना प्रभारी श्रीकांत राय को सूचना मिली कि खुले नाले में एक गाय गिरकर फंस गई है। तुरंत श्रीकांत राय ने मौके पर पहुंचकर एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाइड्रो के सहारे नाले में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकलवाया। थाना अध्यक्ष के इस कार्य की पूरे क्षेत्र में लोग प्रशंसा कर रहे हैं। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी के कोतवाली थाना पंचायत मिढ़ौली ललूपुर में एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना सामने आई है, जिसमें युवक के परिजनों ने गांव के ही प्रधान सहित उसके घर के दो अन्य सदस्यों पर जानलेवा हमले की शिकायत थाना कोतवाली मैनपुरी में दर्ज कराई थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आज प्रधान पक्ष के सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के आला अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन सभी को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, इसमें प्रधान और अन्य लोगों का कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद इस पूरी घटना पर एसपी मैनपुरी का कहना है कि कुछ ग्रामीण आए थे जिनका कहना था कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है और मामले की निष्पक्षता से जांच कराए जाने की मांग भी उठाई गई है। वो लड़का अपने घूमता फिरता घुसने तो उसकी चल गई, वो गोली उसी की लगी, उसने मेरे बेटा को, मेरे पति को, हमारे बड़े बेटा को, दो बेटों को और पति को फंसा दिया है कि इन्होंने मुझे मेरे मारी है। ये कह रहा है तो सर ये हमारा न्याय किया जाए कि हम अकेले बखरी के हैं, ऐसे में लोग हमें रहने दिए तो हम कैसे रहते हैं सर, हमारी सुनवाई की जाए। मेरी बच्ची एक पार्टी है गांव में पंडित जी, तो उन्होंने मेरे भाई को झूठा फंसाया, गोली उसने मार ली अपने खुद और उसने मेरे भाई को फंसा दिया। कुछ लोग ज्ञापन लेकर के आए थे कि इस तरह से गलत अभियोग 307 का पंजीकृत कराया गया है, तो उस ज्ञापन को देख करके उसकी जांच की जाएगी, जो सत्यता होगी उसी आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। FIR लिखाना उस संबंधित आदमी का, वादी का अपना अधिकार है, लेकिन जाँच पड़ताल में जो सही। वही फरीदाबाद में प्रदूषण के कारण बंद स्कूल खुले तो विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधकों में खुशी की लहर देखने को मिली। पढ़ाई कर रही छात्रा वर्षा की माने तो स्कूल बंद होने की वजह से उनकी पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो गई थी, लेकिन आज फिर से स्कूल खुल गए हैं और उनकी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। जबकि यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान की माने तो वो सरकार का स्कूल खोलने के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। जी मैं गर्म भूमि स्कूल में पढ़ता हूँ और छुट्टियों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पहले तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम है और हर किसी के पास फ़ोन भी नहीं होता, और फिर वॉइस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी, जो ना तो टीचर से अच्छे से संपर्क बन पाता और ना ही आसपास कहीं अच्छे संपर्क बन पाता, जिससे पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं तो पढ़ाया हुआ जो सारा सिलेबस है वो रिमेंड नहीं रहता और फिर आगे दिक्कत होती है, फिर बार बार टीचरों को भी और बच्चों को भी समझने में फिर दिक्कत आ जाती है उस चीज़। बिल्कुल, हमने दो दिन पहले DC साहब को और हमारे जो शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनको हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया था कि प्रदूषण की वजह से स्कूल जो बंद हैं, पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है और वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रही, तो उसमें प्रदूषण की और भी कारण हैं और बच्चों को स्कूल भेजा जाए प्रॉपरली और क्लासेस चालू की जाए, तो उन्होंने हमारी बात को समर्थन किया और स्कूलों खोलने की जो है परमिशन दे दी। मैं DC साहब का और जिला शिक्षा अधिकारी मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि स्कूलों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने जल्द से जल्द स्कूल खोलने का आश्वासन भी दिया था और वो काम। वही फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में एक विवाहिता के घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला उसने समाप्त कर ली है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के मुताबिक फांसी लगाने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसका खुलासा जांच के बाद किया जाएगा।
वहीं बांदा के अमन त्रिपाठी चर्चित हत्याकांड की गुत्थी को हमीरपुर पुलिस ने सुलझाने का काम आज किया है, जहां हत्या में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि महीनों पहले मामले को गंभीर होता देखकर हमीरपुर पुलिस को जांच सौंपी गई थी। वहीं न्याय पाने के उद्देश्य से पीड़ित माँ बाप की तरफ से बेटे की अस्थियों को लेकर अशोक लाट में अनशन किया गया था। वहीं हत्या का पूरा मामला कुछ इस तरह था कि व्यक्ति की हत्या के बाद परिवार वालों को न्याय नहीं मिला और महीनों से न्याय न मिलने की वजह से परिवार वाले अनशन पर रह गए। इस संबंध में थाना कोतवाली बांदा पे 671/21 अपराध संख्या दर्ज हुआ था, जिसमें सम्राट और उसके अन्य साथियों पर आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में प्रारंभिक विवेचना जनपद बांदा से हुई, लेकिन वादी की आग्रह पे इस विवेचना को जनपद हमीरपुर में ट्रांसफर हुआ था। आगे की विवेचना, जिसमें क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया था, स्टेट मेडिकल लीगल एक्सपर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 304, 201, 109 और 34 IPC का अपराध कारित होना पाया गया है, जिसमें सम्राट और उसके अन्य 7 साथियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। मयूरिया में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें सदर कोतवाली पुलिस और आबकारी संयुक्त टीम की तरफ से पछुआ बस्ती में आज दबिश दी गई। दबिश के दौरान दोनों टीमों को सफलता हासिल हुई है, जिसमें 30 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया गया है और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बरामद किए गए सामानों में सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और यूरिया भी शामिल है। संयुक्त टीमों ने छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को भी मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस की ओर से कहा गया है कि आगे भी इसी तरह से अभियान जारी रहेगा। कोतवाली और आबकारी की जो संयुक्त टीम है, उसके द्वारा जो यहाँ पे पछैया बस्ती पड़ती है, उसमें दबिश दी गई थी और दबिश के दौरान दोनों टीमों को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 30 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए, जिसमें सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और 500 ग्राम यूरिया मिला है। इसमें टीम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सुल्तान सिंह है। और इस तरीके के जो अभियान हैं, जो यहाँ पर अवैध शराब बनाते हैं, उनके खिलाफ लगातार चलते रहेंगे और आगे भी इसी तरीके की दबिश देती। वहीं आगरा के थाना पिडौरा में एक गांव में युवती के पिता ने आगरा पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। दरअसल नाबालिग के पिता ने बताया कि एक हफ्ते पहले घर में अकेली रह रही नाबालिग को बहला फुसला कर बटेश्वर मेला दिखाने के बाद कहकर पड़ोसी युवक ने उसे अगवा कर लिया। किशोरी के घर न लौटने पर परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई। परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी पुलिस पर की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।